अस्सलाम वालेकुम। तो अगला हमारे पास जो हमने ब्रेस्ट सर्जरी में टॉपिक करना है, दैट इज ब्रेस्ट एब्सेस। मैंने आपको बताया कि कुछ गिने चुने टॉपिक्स हैं जो हमारे पास यहाँ ब्रेस्ट सर्जरी में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, उन्हीं को आपने ज्यादा अच्छे से करना है। बाकी होगा एटलीस्ट आप सिर्फ नाम नाम पढ़ लें कि आपको पता हो कि उसमें क्या होता है, जैसे पोलीमेजिया क्या होता है, एमेजिया क्या होता है, ताकि अगर वो आपसे एमसीक्यू में कोई इतना पूछ ले मतलब कि ये क्या कंडीशन है तो पता चल जाए। अदरवाइज वो सिनेरियोज में बिल्कुल भी नहीं आते होते, मतलब एमसीक्यू में भी लंबे लंबे सिनेरियोज के साथ नहीं आते। सिनेरियो में जो अगली चीज आती है, दैट इज ब्रेस्ट एब्सेस। ये आपका मैंने बताया था हर दूसरा क्वेश्चन अगर आपका ब्रेस्ट में से कोई याद है, कार्सिनोमा के बाद वो ब्रेस्ट एब्सेस होते हैं। अब यंग जो फीमेल होगी वो आपकी हमेशा रिप्रोडक्टिव एज की होगी जो ब्रेस्ट एब्सेस के साथ आएगी, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव एज की वो कहेंगे 40 ईयर्स ओल्ड फीमेल प्रेजेंटेड टू यू, या फिर वो कहेंगे कि लैक्टेशनल मदर, ज्यादातर वो कहते हैं कि वो हमारी फीमेल आती है जो कि भी दूध पिलाने वाली माँ होती है, ठीक है। तो लाइक मदर इन हर टाइम ऑफ लैक्टेशन प्रेजेंटेड टू यू विद द पेनफुल राइट ब्रेस्ट, पेनफुल टेंडर राइट ब्रेस्ट विच इज रेड इन कलर, और साथ शी हैज फीवर फॉर द लास्ट वन डे, फॉर द लास्ट टू डेज, ज्यादातर एक दिन की हिस्ट्री होती है। तो उसमें हमारे पास जो ब्रेस्ट होगी टेंडर भी होगी, उसका पेन भी होगा, रेड कलर की हुई भी होगी, और साथ उसको पेशेंट को फीवर होगा। तो ये टिपिकल से फीचर्स हैं कि एब्सेस बन गए हमारी बॉडी में, ब्रेस्ट को छोड़ के कहीं और भी एब्सेस बने ना, तो यही फीचर्स आते हैं उसके। तो आपके पास ये बहुत ज्यादा आता है, ठीक है, ये सिनेरियो ब्रेस्ट एब्सेस का इस तरह से। और आपने उसका डायग्नोसिस आपसे पूछते हैं, उसके बाद आपसे कहते हैं कि व्हाट विल बी द पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, और बताएं कि उसका आपका ट्रीटमेंट प्लान, इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट क्या है, ठीक है। अच्छा, आपके पास सिंपल सी बात है, ब्रेस्ट एब्सेस का मतलब यह है कि आपके पास जब एक इन्फेक्शन होता है ब्रेस्ट के अंदर, तो इन्फेक्शन के बाद आपकी वो इन्फेक्टिव मटेरियल अगर अंदर पस और वो इन्फेक्शन एक कलेक्शन एक कैविटी के अंदर कलेक्ट हो जाते हैं, तो उसको हम एब्सेस कहते हैं। तो हमारे पास कभी भी ब्रेस्ट एब्सेस ऐसी नहीं बन सकती, हमेशा पहले पेशेंट को मेस्टाइटिस होता है। मेस्टाइटिस इज इन्फेक्शन, मेस्टाइटिस इज बेसिकली इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रेस्ट विच इज ऑलवेज या मोस्टली सेकेंडरी टू एनी इन्फेक्शन, ठीक है। तो ब्रेस्ट की इन्फ्लेमेशन होती है, मेस्टाइटिस होता है, उसमें हमेशा कोई इन्फेक्शियस एजेंट आएगा तो ब्रेस्ट की इन्फ्लेमेशन करेगा, तो मोस्टली मेस्टाइटिस आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन के बाद होता है। तो पहले पेशेंट को मेस्टाइटिस होता है, मेस्टाइटिस सिर्फ वहां पर दर्द करते हैं, दर्द होगा उसके साथ थोड़ा बहुत बुखार शुरू होगा, और उसके साथ ही आपकी बॉडी में अगर वो आपकी इम्यूनिटी इतनी ज्यादा नहीं है कि उस इन्फेक्शन से लड़ सके, तो वहां पर एक पूरी पस की फील्ड कैविटी सी बन जाती है, एक एरिया बन जाता है जिसको हम एब्सेस कहते हैं। लेकिन आपने अगर हमारे पास इन फीचर्स के साथ पेशेंट आ रही है कि पेन है उसके साथ, उसको फीवर है और रेड है, और मैस फील हो रही है या नहीं हो रही, वो कभी कभार आपके सिनेरियो में लिखा होता है मैस इज फेल्ट इन द अपर आउटर क्वाड्रेंट ऑफ द ब्रेस्ट, जो एब्सेस कैविटी होती है, हो रही है नहीं हो रही, आपने लिखना एब्सेस ही है, ठीक है उसको, क्योंकि हमारे पास सिनेरियो की कुछ टिपिकल से फैक्ट्स होते हैं, हमने उनको एब्सेस ही लिखना होता है, आपने हरी मेस्टाइटिस नहीं लिखना, आपका गलत हो जाएगा। अच्छा, तो ब्रेस्ट एब्सेस हमारी बेसिकली मेस्टाइटिस के बाद जो इन्फेक्शियस इन्फेक्शन एजेंट आया होता है उसके रिजल्ट में बन जाती है। मोस्ट कॉमन इज लैक्टेशनल एब्सेस। लैक्टेशनल एब्सेस का मतलब है कि दूध पिलाने वाली माँ होती है, उसका जो बच्चा है, अब बच्चे के मुंह में कोई ऑर्गेनिज्म हो सकता है, अक्सर बात जो मोस्ट कॉमन पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है वो ये कि बच्चे के मुंह में होता है स्टेफ ऑरियस, मतलब आपको पता है ओरल कैविटी में कोई ना कोई बैक्टीरिया आ जाते हैं, तो बच्चे के मुंह में स्टेफ ऑरियस होता है, एंड ड्यूरिंग लैक्टेशन वो स्टेफ ऑरियस जो बैक्टीरिया वो ब्रेस्ट पे चला जाता है, और वो ब्रेस्ट को इन्वेड करके अंदर चला जाता है, फिर ब्रेस्ट में इन्फेक्शन करता है और फिर एब्सेस बना देते हैं। तो जब मोस्ट कॉमन पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म को आपसे पूछा तो वो स्टेफलोकोकस ऑरियस होता है, एंड विच इज प्रेजेंट इन द बेबीज माउथ, और वहां से वो आया, इसीलिए लैक्टेशनल एब्सेस कॉमन है। नॉन लैक्टेशनल जो एब्सेसेस होते हैं, अब उसमें हमारे पास जाहिर है या तो बैक्टीरिया बाहर से आएगा, किसी की हाइजेनिक कंडीशन पूर है इस वजह से, या वो सिस्टेमिक के लिए जाएगा, तो ज्यादातर होता है आपका स्मोकर्स में बहुत कॉमन है, क्योंकि स्मोकर्स की इम्यूनिटी के लेवल्स डिफरेंट तरह के होते हैं, वो बहुत अच्छे नहीं होते, तो इस वजह से स्मोकर्स जो फीमेल होती है उनमें बहुत कॉमन है। और इसमें जो ऑर्गेनिज्म ज्यादातर इन्वॉल्व होते हैं वो स्ट्रेप्टोकोकस होते हैं या एनरोब्स होते हैं। अच्छा, आप कहते हैं जो नॉन लैक्टेशनल एब्सेसेस है ना हमारी, वो दो तरह की होती है। अगर ये मेरे पास ब्रेस्ट है तो एक होती है जो बिल्कुल एरियोला के पास बनती है इस जगह पे, उसको हम कहते हैं पेरी एरियोलर, ठीक है, इस सारे एरिया में जो बनेगी। और दूसरी होती है जो कहीं पेरिफेरल एरिया में इधर 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 बनती है। जो पेरी एरियोलर एब्सेस है ना वो ज्यादातर रिलेटेड होती है, क्योंकि आपको पता है कि हमारे पास ये जो ब्रेस्ट है इसमें सारी डक्ट्स आ रही है टूवर्ड्स एरियोला एंड निपल, तो अगर किसी चीज ने इन डक्ट्स की इन्फ्लेमेशन की है तो वो ज्यादातर आपकी पेरी एरियोलर एरिया में प्रेजेंट करेगी। तो जो डक्टल इन्फ्लेमेशन और डक्टल आपकी इन्फेक्शन की वजह से एब्सेस बनती है वो ज्यादातर पेरी एरियोलर होती है, ठीक है, ये मैं नॉन लैक्टेशनल की बात कर रही हूँ। और जो आपकी किसी सिस्टेमिक डिजीज की वजह से बनती है, जैसे डायबिटिक्स में ना वैसे ही बहुत ज्यादा मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस होती है, खासतौर पर जिनमें अनकंट्रोल्ड डायबिटीज होती है, या फिर जिनमें जो पहले से किसी ऑटो इम्यून डिजीज के पेशेंट, यानी SLE है या रूमेटॉइड आर्थराइटिस है या स्टीरॉइड्स पे, उन लोगों में इम्यूनिटी बहुत लो होती है, उनमें सिस्टेमिक इन्फेक्शन बहुत कॉमन है। सिस्टेमिक इन्फेक्शन हमेशा पेरिफेरल एब्सेस बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो इन्फेक्शन आपके ब्लड के थ्रू आता है और वो ज्यादा पेरिफेरी को इन्वॉल्व करते हैं। तो ये आपने लिखनी होती है क्लासिफिकेशन, ठीक है, एक है आपकी लैक्टेशनल, नॉन लैक्टेशनल, नॉन लैक्टेशनल में पेरिफेरल एंड पेरिडक्टल।
सॉरी पेरी एरियोलर। अच्छा पेशेंट क्लिनिकल फीचर्स में आपको बता चुकी हूँ, पेन रेडनेस स्वेलिंग डेफिनेटली बताइए, स्वेलिंग इज लाजमी है। एब्सेस में आपको वो कहती है स्वॉलन ब्रेस्ट होती है एडिमा की वजह से, जरूरी नहीं है वो आपसे कहें कि अलग से एक मैस मिला हुआ मैंने आपको कहा था, लेकिन स्वेलिंग जरूर होती है, मैं बताना भूल गई थी ठीक है। और उसके बाद हमारे पास हो सकता है कि वो जब आप उसको हिला के देखें तो फ्लक्चुएट करे, फ्लक्चुएट का मतलब ये होता है कि आप उसे जब इसे मूव करते हैं तो वो फ्लक्चुएंस शो होती है बाहर, इट इज नॉट अ वेरी कॉमन फीचर जो आपके कॉमन है मैंने बता दिए। अब हमने ट्रीटमेंट क्या करनी होती है, अगर पेशेंट एक दिन की हिस्ट्री के साथ आई और आपको लग रहा है कि इसमें अभी एब्सेस कैविटी बहुत ज्यादा नहीं बनी तो आप उसकी इंसिजन कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट करते हैं। इससे पहले इन्वेस्टिगेशन होंगी, इन्वेस्टिगेशन आपकी बुक में लिखी भी नहीं है और हर दफा आपसे पूछते भी नहीं है, लेकिन अगर कोई पूछेगा तो आपने क्या कराना है, आपने अल्ट्रासाउंड कराना है ब्रेस्ट का, उससे आपको पता चल जाएगा। लेकिन अल्ट्रासाउंड इसमें थोड़ा सा मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि पेशेंट को काफी पेन होती है और अल्ट्रासाउंड प्रोब लगता ही है तो पेशेंट चीख रही होती है, तो इसलिए जरा सा मुश्किल हो जाता है। अगर कोई चीज डिस्चार्ज हो रही है तो आप उसकी कल्चर और सेंसिटिविटी कराएंगे ताकि आप बैक्टीरिया को देख लें ठीक है, अगर डिस्चार्ज है कुछ साथ, और अगर नहीं है डिस्चार्ज तो फिर आप एस्पिरेट करेंगे हमने, क्योंकि जाहिर ब्रेस्ट के अंदर जो एब्सेस है उसको इंसिजन और ड्रेनेज भी तो करनी है, तो हम क्या करते हैं कि हम एक व्हाइट बोर नीडल लेके उससे एस्पिरेट करते हैं पस को, और उस पस की फिर हम करवाते हैं वो वाली ही कल्चर और सेंसिटिविटी करा के चेक करते हैं कि पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा है। तो हमारे पास ये वाली इन्वेस्टिगेशन हमने करानी है, मेनली अल्ट्रासाउंड है, कल्चर सेंसिटिविटी है एंड एस्पिरेशन ऑफ द पस है, वरना आपसे ज्यादा कोई नहीं पूछता। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट हम तब मैंने बताया देते हैं जब हमें पता होता है कि अभी एब्सेस कैविटी पूरी बनी नहीं है और हमारे हमें लग रहा होता है कि अभी सिर्फ इन्फेक्शन है, तो उसमें हम क्या करेंगे, चार चीजें लाजमी करनी है, एंटीबायोटिक्स देनी है, और एंटीबायोटिक्स भी आपकी ऑगमेंटेड टाइप की होगी, कोएमोक्सिक्लेव यानी जिसमें आपने रेजिस्टेंस के अगेंस्ट भी डाला हुआ हो ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट, या तो आप दे दें सिप्रोफ्लॉक्सासिन वगैरह के ग्रुप में से यानी क्विनोलोन्स में से, या आप दे दें पेनिसिलिन में से ऑगमेंटेड जो पेनिसिलिन प्लस क्लोवेलेनिक एसिड वगैरह होता है ठीक है। एंटीबायोटिक्स देंगे, एनर्जेटिक्स देंगे डेफिनेटली क्योंकि पेशेंट को काफी पेन है, उसके साथ आप लोकल हीट अप्लाई करते हैं तो उससे इन्फ्लेमेशन थोड़ी सेटल हो जाती है, एंड ब्रेस्ट सपोर्ट एक अच्छा सा ब्रा पहनना जरूरी होता है ताकि ब्रेस्ट सपोर्ट में रहे, वरना वो बहुत ज्यादा ऐसे पेंडुलस सी फील होती है तो पेशेंट को और दर्द होता है। तो ये चीजें आप करते हैं जो आपने करवानी है पेशेंट को, उसके साथ उससे कहना है कि वो बिल्कुल भी ब्रेस्ट फीडिंग उस साइड से स्टॉप कर देगी क्योंकि ज्यादा लैक्टेशनल मदर्स होते हैं तो स्टॉप करनी है, और ब्रेस्ट को पंप लगा के निपल के आगे आप ब्रेस्ट पंप लगाते हैं और उसको खाली कर देते हैं, मिल्क सारा निकाल लेते हैं ठीक है, जो निपल के आगे आप पंप लगाते हैं उससे मिल्क निकालते हैं, उसकी वजह ये होती है कि अगर जब मिल्क निकालेंगे तो कंजेशन अंदर से रिलीव होगी तो पेशेंट का जो पेन है वो थोड़ा बेहतर हो जाएगा, क्योंकि पस तो जाहिर हम ड्रेन करेंगे तो करेंगे, मिल्क रिमूव करने से उसकी कंजेशन से थोड़ा पेन ठीक हो जाता है। और अगर हम चाह रहे हैं कि कुछ अरसे के लिए लैक्टेशन ना हो यानी कुछ अरसे के लिए उसका मिल्क प्रोडक्शन ना हो उस ब्रेस्ट में, क्योंकि अगर मिल्क अभी निकाले तो मिल्क दोबारा प्रोड्यूस हो जाएगा, तो फिर आपको ये ब्रोमोक्रिप्टीन टाइप चीज दे देते हैं जो कि आपकी सिक्रीशंस को डिक्रीज करती है ठीक है। हमारा जो ड्रग है आपका, मेरा कह रहा है ये है जी आपका अल्फा कुछ ड्रग है, पता नहीं अल्फा एग्निस्ट है या क्या है, ज़हमिन या रबार हेलबर्ट से हुआ। अच्छा, और अगर आपकी एब्सेस कैविटी बन चुकी है तो फिर आपने उसकी इंसिजन और ड्रेनेज करनी होती है। इंसिजन और ड्रेनेज करने का तरीका अब ये नहीं होता कि आप पूरा खोल लें उसको, ओपन करें ब्रेस्ट की एब्सेस आपको नजर आएगी और आप उसको इंसिजन और ड्रेनेज करेंगे, उसका सिंपल सा तरीका ये होता है कि आप बेहतर होता है कि सरकम एरियोलर इंसिजन दें। सरकम एरियोलर का फायदा ये होता है कि उसका स्कार बुरा नहीं लगता, मतलब ये अगर आपका एरियोला है ना तो बिल्कुल एरियोला के बॉर्डर के साथ साथ आप इंसाइज कर लेते हैं उसको सरकम एरियोलर, चाहे तो रेडिकल दे दें, रेडिकल का मतलब आप यहां पर इंसाइज कर लें जहां पर आपको लग रहा है लेकिन उसका स्कार बुरा लगेगा ठीक है। तो सरकम एरियोलर इंसिजन देते हैं जहां पर, और या फिर उस जगह पर इंसिजन देते हैं जहां पर आपको मैक्सिमम नजर आ रहा है कि इस जगह फ्लक्चुएशन और यहां पर एब्सेस पड़ी कैविटी पड़ी हुई होगी, इंसिजन देके और उसके बाद आपको एब्सेस कैविटी पीछे नजर आती है उसको आप ड्रेन आउट करते हैं, और ड्रेन आउट करने के बाद आप दोबारा से उसको क्लोज कर देते हैं। ये तरीका आपको कई बार रिपीट भी करना पड़ता है जब तक आपकी एब्सेस कैविटी अंदर से खत्म नहीं हो जाती ठीक है। तो दिस ब्रेस्ट एब्सेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और कभी कभार जो है ना वो अगर आपने हाली एस्पिरेट करना है अल्ट्रासाउंड गाइडेड, तो आप अल्ट्रासाउंड प्रोब ऊपर रखते हैं और एक नीडल पास करते हैं और आप देख रहे होते हैं कि वो नीडल कहां जा रही है, उस नीडल को आप एब्सेस कैविटी में डाल के उसको सारी पस को एस्पिरेट करते हैं। ये सिर्फ तब होता है जब आपकी छोटी हो एब्सेस, बड़ी होती है तो आपको पूरा इंसिजन देके ड्रेन नहीं करना पड़ता है ठीक हो गया जी। यहां पर ये बात भी खत्म हो जाती है हमारी। अब आता है गायनेकोमेस्टिया, इसका आपके पास सिनेरियो आता है कि अ मेल ऑफ कभी कभार 15-16 ईयर्स का कह देते हैं, कभी वो आपको 40 ईयर्स का मेल कहते हैं, लेकिन बहुत ओल्ड एज नहीं होगा और बहुत छोटा बच्चा भी नहीं होगा, 15-16 हेड नहीं कहते जाते हैं, वो कहते हैं 30s के अराउंड होता है, क्योंकि प्यूबर्टी में नेचुरली प्यूबर्टी इज वन ऑफ द रीजन के गायनेकोमेस्टिया हो जाए ठीक है। तो आपसे वो कहते हैं प्रेजेंटेड विद द बायलैटरल इनलार्जमेंट ऑफ द ब्रेस्ट, और फिर आपसे कहते हैं कि गिव द डायग्नोसिस, तो जाहिर सी बात है गायनेकोमेस्टिया अगर मेल में इनलार्जमेंट ऑफ द ब्रेस्ट हो रही है तो आपने हमेशा डायग्नोसिस में गायनेकोमेस्टिया लिखना है ठीक है, क्योंकि ये उसका ये नहीं हो रही कि क्यों हो रहा है, वो वाला डायग्नोसिस हम नहीं बता रहे, हमसे बता रहे कि कंडीशन कौन सी है। और उसके बाद आपसे पूछते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट कॉजेज एंड व्हाट इज द ट्रीटमेंट,
कॉजेज को ये चार ग्रुप्स में डिवाइड किया, बड़ा अच्छा सा बुक में भी लिखा हुआ है फिजियोलॉजिकली कब कब हमारी जो मेल ब्रेस्ट है वो इनलार्ज होती हुई आपको नजर आती है बच्चों में, छोटे जो इन्फेंट्स होते हैं, फिर एट प्यूबर्टी ऐसा हो जाता है, और एल्डरली यानी कि ओल्ड एज में आपको जो है वो देखेंगे कि ब्रेस्ट थोड़ी सी पेंडुलस सी हो जाती है। तो ये फिजियोलॉजिकल है, इसमें किसी दवाई की किसी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती। कुछ वजह होती है कि आपकी ड्रग इनटेक की वजह से जो है वो गायनेकोमास्टी हो जाता है, वो ड्रग्स आपने याद रखनी है कि आपकी स्टीरॉइड सबसे पहले आप लिखेंगे क्योंकि वजह से बहुत ज्यादा होता है। फिर आपकी सेमेटिडीन वगैरह, सेमेटिडीन आपकी H2 रिसेप्टर ब्लॉकर है, आप देते हैं मेदे की तेजाबियत के लिए, स्टमक उसके लिए, हार्ट बर्न के लिए, इससे भी अगर प्रोलॉन्ग यूज हो तो हो जाता है। डाइजॉक्सिन जो आप देते हैं अपने हार्ट को करने के लिए, एनोट्रोपिक होती है ये। स्पिरोनोलेक्टोन है आपकी, फिर जो डायरेटिक है, एंड देन आपकी मिथाइल डोपा। तो ये ड्रग्स के नाम आपने याद रखे, इन सब का साइड इफेक्ट ये है कि ये आपकी थोड़ी सी गायनेकोमास्टी कर देती है। फिर आपके जो बेसिकली ब्रेस्ट है वो इनलार्ज होती ही क्यों है, ईस्ट्रोजन हार्मोन के रिस्पांस में। मर्दों में थोड़ी अमाउंट में ईस्ट्रोजन प्रेजेंट है और ज्यादा अमाउंट में एंड्रोजेंस है, और फीमेल में इसके ऑपोजिट हिसाब है। अगर कोई भी ऐसी कंडीशन हो जाती है जिससे मेल्स में ईस्ट्रोजन ज्यादा हो जाता है और एंड्रोजन कम हो जाता है, या दोनों में से कोई एक चीज हो जाती है, तो डेफिनेटली बात में ब्रेस्ट की इनलार्जमेंट हो जाती है। तो ईस्ट्रोजन की एक्सेस कब होती है, आपके पास ट्यूमर्स है कुछ ऐसे जो ईस्ट्रोजन के बनाते हैं, जिस तरह टेस्टिकुलर ट्यूमर है इसमें हो जाएगी आपका। अगर हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा है, वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, उसमें भी ईस्ट्रोजन ज्यादा बनने लग जाता है आपके लिवर कैंसर में, एंड आपका लिवर सिरोसिस हो गया। उसके अलावा अगर आपका एड्रीनल ग्लैंड का न्यूप्लाज्म है, तो ये सारी वो कंडीशन है जिनमें आपका स्टीरॉयड हार्मोन्स की वजह से, एक्सेसिव प्रोडक्शन की वजह से ईस्ट्रोजन ज्यादा बनने लग जाता है। ये सारे स्टीरॉयड हार्मोन्स को एक्सेसिव प्रोड्यूस करा रहे हैं, स्टीरॉयड में आपका ईस्ट्रोजन आ जाता है, तो इसलिए ब्रेस्ट की इनलार्जमेंट हो जाती है। तो आपका कार्सिनोमा को रूल आउट करना बहुत जरूरी है अगर आपके पास एक गायनेकोमास्टिया का पेशेंट आया है। और एंड्रोजेंस की डेफिशिएंसी, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपका क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम ना हो पेशेंट को, जिसमें आपका जेनेटिकली एक वही डेफिशिएंट होता है आपका XX, आई गेस इट्स लाइक वो होता है आपका होता ही उसमें आपका जेनेटिकली आपके एक हार्मोन ही कम होता है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा कुछ पेशेंट को ऑर्काइटिस ना हो, अगर उसकी टेस्टिस ही में इन्फ्लेम्ड थी, टेस्टिस की इन्फ्लेमेशन को ऑर्काइटिस कहते हैं, तो हो सकता है कि उसने फंक्शन खत्म कर दिया, वो एंड्रोजन बना नहीं रही, ठीक है। पेशेंट को कि रेडिएशन तो नहीं मिली हुई, या आपने उससे पूछना होता है, रीनल फेलियर की तरफ तो नहीं जा रहे, रीनल फेलियर के पेशेंट जो है वो भी आपकी एंड्रोजन की डेफिशिएंसी शो करते हैं। एंड लेप्रेसी इज अ कंडीशन जिसमें हो जाती है। तो आपने ये सारे कॉजेज याद रखने हैं, ठीक है, इसमें कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं, दो दफा पढ़ो तो याद भी हो जाते हैं। अब ट्रीटमेंट में होता है कि ट्रीट द कॉज, अब हमें इसमें से जो कॉज मिलेगी हमने अकॉर्डिंग टू दैट ट्रीट करना है। उसके बाद अगर मैलिग्नेंसी को रूल आउट कर दी, तो आपने लिखना होता है कि वी हैव टू रीअश्योर द पेशेंट दैट देयर इज नो मैलिग्नेंसी, ये तीनों में से कोई भी चीज नहीं है। और हमें अगर जरूरत पड़ती है कि हम उस ब्रेस्ट को रिमूव करें, तो हम फिर मैस्टेक्टमी करते हैं, लेकिन मैस्टेक्टमी में हमने उसका निप्पल और एरियोला प्रिजर्व करना होता है। फीमेल्स में तो हमारा प्रिजर्वेशन वाला कोई हिसाब नहीं होता ना कि हम प्रिजर्व करें, यहां हमने प्रिजर्व करना होता है। तो ये तीन आपके ट्रीटमेंट का पॉइंट्स है, बुक में एज इट इज लिखा हुआ है, ये आता बहुत ज्यादा है क्वेश्चन, मैं बताया ना मैं सिर्फ वो टॉपिक्स करें जो बहुत ज्यादा आते हैं ताकि आपको याद रह जाए। तो ये सिंपल सी कुछ बातें हैं। फिर हमारे पास एक टॉपिक होता है मेस्टैल्जिया। मेस्टैल्जिया इज पेन इन द ब्रेस्ट, सिंपली पेन इन द ब्रेस्ट, ठीक है। तो पेन इन द ब्रेस्ट आपका ब्रेस्ट की वजह से भी हो सकता है, किसी ब्रेस्ट की रीजन की वजह से, या फिर आपका पेन इन द ब्रेस्ट हो सकता है चेस्ट के किसी इशू की वजह से। जो चेस्ट का इशू होता है वो जाहिर है हमारा एसोसिएटेड पेन करता है, उसको हम नहीं पढ़ेंगे, हम ट्रू मेस्टैल्जिया को पढ़ेंगे जो कि एक्चुअली ब्रेस्ट का इशू होता है। अच्छा, नॉर्मली आपका हमेशा कुछ फीमेल्स कंप्लेन करते हैं कि जब भी मेरे मेंसेस आने वाले होते हैं उनसे पहले मुझे बहुत ज्यादा दर्द शुरू हो जाता है, या तो पूरी ब्रेस्ट में या किसी एक जगह पे, और जब मेंसेस शुरू हो जाते हैं यानी पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं तो वो ठीक हो जाता है। तो होता क्या कि आपके नॉर्मल जो हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, उनके रिस्पांस में ब्रेस्ट कुछ लोगों की हाइपर रिस्पॉन्सिव होती है, तो वो आपका जैसे मैंने आपको बताया था कुछ लोगों की ब्रेस्ट इस तरह से रिस्पॉन्स शो करती है कि उसको फाइब्रोएडिनोमा डेवलप हो जाता है, और कुछ लोगों की ब्रेस्ट इस तरह से रिस्पॉन्स शो करती है कि उसमें नोडुलैरिटी डेवलप हो जाती है, और कुछ की इस तरह से रिस्पॉन्स शो करती है कि उसमें नोडुलैरिटी इतनी ज्यादा है, मतलब छोटे छोटे से नोड्यूल्स बनने लग जाते हैं हार्मोन के रिजल्ट में, जिसकी वजह से उसे पेन होता है। तो जो मेस्टैल्जिया है दिस इज बेसिकली आपका ब्रेस्ट पेन, जो कि नॉर्मली को इतना सवेयर नहीं होता, ना ही इतना ज्यादा कोई किसी चीज के साथ एसोसिएटेड होता है। अगर कोई एसोसिएटेड सिम्टम्स है तो वो अलग बात है, हम बात करें कि कोई एसोसिएटेड कंप्लेन नहीं है, कोई फीवर, टेम्परेचर, रेडनेस, स्वेलिंग कुछ भी नहीं है, सिर्फ पेन है। और पेन भी ज्यादातर साइक्लिकल होता है, जो मेंसेस से पहले आता है और फिर ठीक हो जाता है। तो ये इस तरह का जो पेन होता है ये हार्मोनल स्टिमुलेशन की वजह से होता है। इसकी आपसे पूछते हैं कि एक पेशेंट प्रेजेंटेड टू यू विद अ कंप्लेंट ऑफ पेन इन द ब्रेस्ट, दैट्स इट, तो व्हाट इज द कॉज, तो आपने बताना होता है कि इट इज साइक्लिकल इन नेचर, हार्मोनल स्टिमुलेशन की वजह से, कैन गिव द ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में हमने पेशेंट को सबसे पहले तो रीअश्योर कराना होता है, और हमने उसकी अच्छे से ट्रिपल असेसमेंट करके कैंसर को फिर भी एक्सक्लूड करना है। ये याद रखना कि हमने हमेशा किसी पेशेंट को ऐसी मजाक में नहीं लेना, हमेशा हमने उसके कैंसर को एक्सक्लूड करना होता है कि कहीं कैंसर है तो नहीं। तो हमने जब कैंसर को एक्सक्लूड कर ली तो पेशेंट को रीअश्योर कराने की कोई मसले की बात नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा मतलब उसे गाइड करना है, उसे बताना होता है कि किस वजह से ये हो रहा है।
उसके बाद एक चीज होती है इवनिंग प्रिमरोज ऑयल। इवनिंग प्रिमरोज ऑयल ना आपका एक प्लांट में से एक्सट्रैक्ट लिया गया है ऑयल का, ठीक है, फूड में भी इस्तेमाल करते हैं और यहाँ ब्रेस्ट पे भी। कुछ फीमेल्स में असल में ये समझा जाता है कि हमारे पास फैटी एसिड की ना, ब्रेस्ट आपको पता है एक फैटी टिश्यू है मतलब काफी ज्यादा फैट होता है इसमें, तो फैटी एसिड्स की कमी होने की वजह से कुछ फीमेल्स में जो है वो पेन होती है ब्रेस्ट में। उस कमी को पूरा करने के लिए ये इवनिंग प्रिमरोज ऑयल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो कि आप ऊपर अप्लाई करते हैं, टॉपिकल एप्लीकेशन इसकी करते हैं और 3-4 महीने के बाद आपका वो जो पेन है ब्रेस्ट का वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। जाहिर है इट टेक्स टाइम, ये एकदम से आने वाली चीज नहीं होती, लेकिन 4 महीने में, तकरीबन 3-4 महीने में आपका काफी हद तक इम्प्रूवमेंट आती है। तो इसे पता चलता है कि हमारे पास ये बात ठीक है। कुछ कहते हैं कि फीमेल्स में जो फैटी एसिड्स की कमी इस प्रिमरोज ऑयल के टॉपिकल एप्लीकेशन से आहिस्ता आहिस्ता ये एब्जॉर्ब होता रहता है, वो पूरी हो जाती है और जब पूरी हो जाती है तो पेन खत्म हो जाती है, ठीक है। तो ये आपका इवनिंग प्रिमरोज ऑयल है। ये और भी बहुत सारी चीजों में इस्तेमाल होता है, रूमटाइड आर्थराइटिस की ट्रीटमेंट में होता है, पेरीमेनोपॉजल सिम्टम्स में इस्तेमाल होता है और बहुत सारे इसके यूजेस हैं, लेकिन है ये बेसिकली फैटी एसिड, मतलब ऑयल है ना, तो इट कंटेन्स फैटी एसिड, तो फैटी एसिड सप्लाई करते हैं ब्रेस्ट को, तो ट्रीटमेंट में यूज आता है। फिर हम पेशेंट को गाइड करते हैं कि वो ब्रेस्ट को सपोर्ट दिया करे, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि आप ना बहुत लूज ब्रा पहनते हैं या फिर फीमेल्स होती हैं ब्रा पहनना छोड़ती हैं, तो उसकी वजह से ना ब्रेस्ट को सपोर्ट नहीं मिलती, वो पेंडुलस सी हो जाती है। जब आपका इतना हैवी सा टिश्यू आप लटका के छोड़ देंगे तो डेफिनेट सी बात है कि वो एक बल्क टिश्यू जब लटक रहा है उसको सपोर्ट नहीं मिल रही तो वो पेन कॉज करते हैं। तो हम फीमेल को ये गाइड देते हैं कि शी शुड वेयर अ फर्म ब्रा ड्यूरिंग डे टाइम, और अगर रात को उसे बहुत ज्यादा मसला होता है तो शी शुड वेयर अ सॉफ्ट ब्रा, लेकिन शी शुड वेयर अ ब्रा, ठीक है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है मेस्टेल्जिया में। अच्छा, उसके बाद अगर हमारे पास उसका इन साइड से नहीं ठीक हो रहा तो फिर हम ड्रग्स की तरफ आते हैं। एंटी ईस्ट्रोजन ड्रग्स होती है डेनाजोल वगैरह, जो ईस्ट्रोजन की प्रोडक्शन को कम करेंगी। उससे क्या होगा, ईस्ट्रोजन की प्रोडक्शन कम होगी तो ब्रेस्ट की जो लोब्यूल्स और डक्ट्यूल्स की प्रोडक्शन है, जो नोडुलैरिटी है, वो डिक्रीज होगी, क्योंकि ब्रेस्ट में जो नया सब कुछ स्ट्रक्चर बन रहा होता है और जो रेनोवेशन चल रही होती है वो सारी ईस्ट्रोजन के रिजल्ट में होती है। तो हम डेनाजोल देंगे विच इज एंटी ईस्ट्रोजन, जो उसको रिड्यूस करेगी तो पेशेंट की पेन बेहतर हो जाती है। कुछ और ड्रग्स हैं लेकिन और कोई भी इसके इस्तेमाल के लिए अभी तक 100% अच्छी समझी नहीं जाती या फिर देने को रिकमेंड नहीं किया जाता, यही सब कुछ है। तो यहाँ पर बात खत्म करते हैं, किसी कोई मसला हो के नाश में। थैंक यू।